हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में मोदी केयर अश्वगंधा के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मोदी केयर कंपनी ने 2021 जनवरी में लॉन्च किया है। कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, आंवला का टैबलेट, एलोवेरा का टैबलेट, हल्दी का टैबलेट और ब्राह्मी का टैबलेट, अश्वगंधा का टैबलेट, बहुत सारे टैबलेट लॉन्च हुए हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सारे टैबलेट्स के बारे में मैं अपने वीडियो में बताया भी हूँ और जिन जिन टैबलेट के बारे में नहीं बताया हूँ उनके बारे में मैं बताऊँगा आप लोग को। चलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को अश्वगंधा टैबलेट के बारे में बता दूँ। इसको जानने से पहले मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा कोई भी मोदी केयर का वीडियो बने तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को अश्वगंधा मोदी केयर अश्वगंधा के बारे में बता दूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अश्वगंधा क्या होता है। अश्वगंधा एक प्रकार का जड़ी बूटी होता है, एक पौधा होता है, उसके जड़ से यह बनाया जाता है अश्वगंधा। और दोस्तों, इसका बॉटनिकल नेम है बिथानिया सोमनीफेरा। यह कई नामों से जाना जाता है, अश्वगंध नाम से जाना जाता है, अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है, पुनीत अश्वगंधा नागावरी के नाम से जाना जाता है, तो कई नामों से यह जाना जाता है। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह एक प्रकार से हमारे लिए मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली तीनों पे बहुत ही अच्छा काम करता है। चलिए मैं आप लोग को मोदी केयर अश्वगंधा के बारे में बता दूँ, इसको विस्तार से मैं बताऊँ कि किन किन बीमारियों में यह काम कर सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होने की वजह से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हमारे शरीर में किसी प्रकार का बाहरी वायरस या वायरल इस प्रकार से अटैक नहीं कर पाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होने की वजह से प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है और किसी प्रकार की इस तरह से बीमारी नहीं होती है। ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, हमारे शरीर में होने वाले तनाव को मुक्त करता है, चिंता से मुक्त करता है। यह इसका अगर सेवन करें तो शरीर में थकान है, तनाव है, किसी प्रकार की चिंता है, डिप्रेशन है, तो ये खत्म करता है अश्वगंधा और शरीर को हमारे जो है स्टेमिना भी देता है। चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि यह कई रोगों में जो है औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगर किसी का बहुत तेज़ी से बाल पक रहा है, सफ़ेद हो रहा है बाल, अश्वगंधा का प्रयोग करें तो जो बाल बहुत तेज़ी से पकता है वो कंट्रोल हो जाएगा, पकना रुक जाएगा। ये पकते हुए बाल को जो है रोक देता है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर महिला या पुरुष किसी को अगर आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम है, ज्योति उसकी जो है जा रही है, रोशनी कम हो रही है, तो अश्वगंधा का प्रयोग करें। जो रोशनी घट रही है वो नहीं घटेगी और जो रोशनी गायब हुई रहती है उसमें भी जो है मदद करता है और पुनः पहले की तरह जो करता है। अश्वगंधा का प्रयोग करने से हमारे आँखों की रोशनी नहीं घटती है। अगर गले में किसी को इसके अलावा समस्या आए, गलकंठ जिसे कहते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करता है अश्वगंधा। गलकंठ जो होता है, गले में प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर किसी को ट्यूबर कूलर की समस्या है, यानी टीवी की समस्या है, उसमें भी एंटी ट्यूबर कूलर का काम करता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम करता है। यह अश्वगंधा मोदी केयर का जो अश्वगंधा है बहुत ही अच्छा है। और मैं बता दूँ कि अगर किसी को खांसी की समस्या है, बार बार बनती है, अश्वगंधा का प्रयोग करें तो ये धीरे धीरे समस्या समाप्त हो जाती है। अगर किसी को पेट संबंधी समस्या है तो उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करता है अश्वगंधा। मैं बता दूं दोस्तों कि अश्वगंधा का प्रयोग करने से जो कब्जियत होती है वह भी सही होती है और पेट भी सही रहता है। और मैं बता दूं कि भूख भी सही लगती है, इसको खाने से किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि अश्वगंधा का प्रयोग करने से जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छा होती है। महिलाओं का जो गर्भ धारण करने की क्षमता होती है बढ़ जाती है। अगर किसी की फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, गर्भ धारण नहीं हो पाता है, तो अश्वगंधा उसमें बहुत ही मददगार होता है। अश्वगंधा का प्रयोग करने से फर्टिलिटी का वो चांस बढ़ जाता है। और किसी महिला को लिकोरिया की शिकायत है, सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो उसमें भी अश्वगंधा बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि जो मोदी केयर का अश्वगंधा है, किसी को इंद्रिय संबंधी अगर प्रॉब्लम है, कमजोरी है, यानी कि लिंग शिथिलता है, नपुंसकता है, कमजोरी है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है जो मोदी केयर का अश्वगंधा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी को शीघ्र पतन की शिकायत हो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। किसी को मेंटली वीकनेस है, तनाव रहता है, या दस्त की कमजोरी है, कोई भी काम करता है भूल जाता है, या बच्चे हैं या दस्त कमजोर है, तो उनके लिए अश्वगंधा बहुत ही अच्छा काम करता है। या दोस्तों मेंटली
फिजिकली सेक्सुअली तीनों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। कोई शारीरिक कमजोरी है, किसी को थकान हो जाती है, बहुत जल्दी थक जाता है, या कोई बहुत दुबला पतला है, अगर शरीर बनाना चाहता है तो अश्वगंधा का प्रयोग करे, शरीर जो दुबली पतली है वो सही हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। मसल्स अगर आपको बनाना है तो मसल्स बनाने में भी अश्वगंधा बहुत ही लाभप्रद होता है, उससे मसल्स भी बहुत तेज़ी से बनते हैं। अगर कोई मोटा है, फैट बहुत ज़्यादा है, तो वो इसका प्रयोग करे, मोटापे को भी घटाता है, यानी कि फैट को गलाता है, चर्बी को घटाता है और बॉडी को फिट रखता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा का नियमित सेवन करने से, जो मोदी केयर का टैबलेट है अश्वगंधा, इसका अगर नियमित सेवन करें तो जो महिलाओं में एनीमिया की शिकायत है, यानी कि खून की कमी है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं WBC RBC की, अगर किसी के अंदर कमी है तो वो पूरा करता है, किसी के अंदर ब्लड की कमी है तो वह पूरा करता है। अश्वगंधा का प्रयोग करने से इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है, इसकी वजह से जो हमारे चेहरे के फ्री रेडिकल्स होते हैं, यानी झुर्रियाँ होती हैं, उनको हटा देता है और नए स्किन का निर्माण भी करता है फ्री रेडिकल्स हटा करके, और चेहरे पे एक टोन भी आ जाता है, स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। गठिया की भी किसी को अगर शिकायत है तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है अश्वगंधा। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि किसी को अगर फीवर आ रहा है तो उसमें फीवर के दवा के साथ अश्वगंधा दे सकते हैं, उसमें बहुत फायदेमंद होता है, कमजोरी को दूर करता है और जल्दी से जल्दी जो क्योर करता है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करता है, जल्दी से बुखार खत्म हो जाता है और लंबाई बढ़ाने में भी बहुत अच्छा काम करता है। शारीरिक कमजोरी है या दुबले पतले हैं तो उनके शरीर को भी फिट बनाता है और फिटनेस बनाता है, तो शारीरिक कमजोरी के साथ साथ ये लंबाई भी बढ़ाता है और शरीर को भी बढ़ाता है अश्वगंधा। तो इसके बहुत सारे गुण हैं, मोदी केयर ने लॉन्च किया है इस महीने में, लेकिन अगर किसी को सेक्सुअली वीकनेस है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। किसी को शीघ्रपतन की शिकायत है या इस तरह से लिंग का ढीलापन है, नसों का ढीलापन है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है अश्वगंधा। मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, फर्टिलिटी में भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर उनके अंदर इच्छा भी घट रही है, सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, डिजायर कम हो रही है महिलाओं में या पुरुषों में, तो अश्वगंधा का प्रयोग करें, इच्छाएँ बढ़ जाती हैं। या किसी महिला के शरीर बहुत दुबली पतली हो गई है, उसको लिकोरिया की शिकायत है, तो ऐसी महिलाएं जो दुबली पतली हैं, आँख धस जाती है, गाल धस जाते हैं, लिकोरिया खत्म नहीं होती, तो ऐसी महिलाएं इसका प्रयोग करें, ये देखेंगे धीरे धीरे लिकोरिया की शिकायत भी खत्म हो जाती है और जो है उनके शरीर भी सही होने लगती है, पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करता है, और इतना ही नहीं शरीर में खून को भी बढ़ाता है और जो हमारे मसल्स होते हैं उसको भी ये बढ़ाता है अश्वगंधा, एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। तो दोस्तों, मैंने मोदी केयर अश्वगंधा के बारे में बताया, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना न भूलिएगा, क्योंकि अश्वगंधा हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जितना मेल फीमेल के लिए होता है बच्चों के लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है। बच्चे जो कमज़ोर हैं पढ़ने लिखने में, उनको खिलाइए, याददाश्त बढ़ेगी, पढ़ने में बच्चे तेज़ होते हैं इसको। तो चलिए, आप लोग को मैंने मोदी केयर के अश्वगंधा के बारे में बताया, अच्छा अगर लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।